नमस्कार, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। घी लिया है यहाँ पर हमने। अब लेंगे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता और इन सबको धीमी आंच पर ही हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। पैन में जो घी बच गया है इसमें डाल देंगे किशमिश। अब डाल देंगे पिंड खजूर, इनके बीज निकाल कर हम इसे डालेंगे। ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे सूखा नारियल। इन सबको ठंडा करने के बाद हम इन्हें एक जार में पीस लेंगे। नारियल को पीस लेंगे। अब जो किशमिश है और खजूर है इसे हम लास्ट में पीसेंगे। ये देखिए, इसका पेस्ट बन गया है, एकदम चिपचिपा रहता है ये। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, खसखस है, मखाने हैं और जो भी आपको डालने हैं, चिरौंजी है। मैंने इसमें ये सब नहीं डाले हैं, बस इतनी ही सामग्री डाली है जितनी आपको दिखाई गई है। ये गुड़ है, गुड़ आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद इनके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।